को जो है कलकत्ता से इनका आगे जो है 60 किलोमीटर की दूरी पर जो है इनकी ये नर्सरी है, सुकतरा नर्सरी, और इन्होंने ये दो पार्सल मुझे भेजे हैं और मैं इनको अब खोल रहा हूँ। और इसके अंदर जो है मैंने कटहल और आम के प्लांट मंगवाए हैं, तो इन्होंने देखो बिल्कुल सही इसकी पैकिंग की है और कोई त्रुटि नहीं है। और मैं अब इनको खोलने जा रहा हूँ और इसके अंदर जो है प्लांट है। ये देखो प्लांट जो है कटहल का आया है और ये बिल्कुल सही आया है और इसकी पैकिंग देखो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ढंग से की है और पॉलिथीन के साथ इसकी पैकिंग बहुत अच्छे तरह से की है। देखो ये पौधे बहुत सेफ आए हैं और ये आपके 6 पौधे जो है कटहल के आए हैं और सही सलामत में है। और एक पौधा थोड़ा डैमेज हुआ है ऊपर से, पर इसमें है नीचे चांसेस। और ये एक मैंगो का दिया है 7वां पौधा इन्होंने, और इन्होंने जो है मुझे पहले भी भेजे थे प्लांट 7, उसमें जो है वो जो है डैमरेज हो गए। 13 दिन बाद मेरे को वो पार्सल मिला था और ये सूख गए थे। फिर इन्होंने कहा था कि भाई इसमें पानी देते रहना, मैं पानी भी देता रहा लेकिन इसमें कोई अंकुर नहीं आया। तो इस करके मैं नुक्तरासरी नर्सरी वाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस बारी जो है ठीक तरह से पैकिंग की और मुझे टाइमली पौधे मिल गए, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने जो है ये 7 पौधे मेरे भेजे हैं और मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने अच्छी तरह से पैकिंग करके और मुझे पौधे भेजे हैं, इन्होंने रिप्लेसमेंट दी थी मुझे, तो देखो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुक्तरा नर्सरी कलकत्ता वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने ये पौधे, और किसी ने मंगाने हो तो ये YouTube में आप देख सकते हैं और इनका एड्रेस वगैरह सारा उसमें इनका डाटा है और सारी नर्सरी ये उसमें दिखाते हैं YouTube में। तो इस करके किसी भाई ने मंगाने हो तो तसल्ली बख्श बूटे हैं और आप देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कहाँ कलकत्ता है कहाँ बिलासपुर हिमाचल है। और इन्होंने देखो ठीक तरह से पैकिंग और सही सलामत जो है पौधे मेरे को प्राप्त हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।